देना पड़ेगा। टीमन अगर कोई कोई दो लोग अगर नारद घाट पे स्नान करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, और हाँ, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहिए यहाँ आ जाओ। बॉयफ्रेंड से भी गर्लफ्रेंड ही से क्यों चाहिए? अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हाँ ठीक है समझ गए, यहाँ पर ले आओ। कौन सी मूवी की? घातक मूवी की। कौन से वाले पे? राजा घाट पे घातक मूवी की शूटिंग हुई थी। हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे और कैमरा शायद वहीं तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है, तो मैं वहीं तक रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो बाहर से जिसको दर्शन करने हो वो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया, यहीं से दर्शन करवा सकता हूँ गाइस आपको। बाकी हम तो अंदर से दर्शन करके आएंगे, अभी जिसको स्पेशली अच्छे से दर्शन करना है उनको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी टिकट करा लो वाराणसी की और पहुँच जाओ काशी विश्वनाथ मंदिर। ओके, तो यहाँ तक तो हम शूट कर सकते हैं, आगे है लॉकर, तो वहाँ के बाद शायद नहीं कर सकते शूट, तो वहाँ पे सब जमा करना पड़ेगा हमें। जितना दिखा सकता हूँ मैं उतना आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। एनीथिंग फॉर यू गाइस and anything for you girls। फिलहाल तो मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ तक आ चुके हैं। अंदर फ़ोन ले जाना शायद से अलाउड है, अगर किसी ने मना किया तो फ़ोन रख दूँगा। इधर है लाइन भाई, कहाँ जा रहे हो? तो ये लाइन है, कहीं भी मेरे को मना किया तो मैं डिलीट कर दूँगा या फिर। हमने लिया है 10 रुपये का दूध वहाँ मेन गेट से, अभी अंदर चढ़ाने के लिए। और हाँ, अभी चोरी चोरी वीडियो बन रही है भाई, चोरी चोरी ब्लॉगिंग हो रही है, फ़ोन छीनने से पहले मैं वापस रख लेता हूँ। लाइन में लगे हैं और लाइन एक्चुअली बहुत लंबी है, ये जूम नहीं हो रहा है, दर्शन तो करा 5 मिनट में भी तो हम आ गए अंदर मंदिर में दर्शन करके। बाहर बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें लाइन में, और इतनी लंबी लाइन थी कि बंदा UPSC की तैयारी कर ले। हिंचक पूजा अवार्ड गोज टू द जिया। तो अभी हम शायद वापस जाने वाले घर या फिर खाएंगे, कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे ब्लॉग शुरू किया, कहाँ पे क्या शूट किया है। हाँ, ये मेडिकल शॉप है, सबकी तबीयत खराब होने लग रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया हमने, धूप में शूट, धूप में मंदिर। 42 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर वाराणसी में, 42 डिग्री, जिस दिन हम आए थे 39 डिग्री, फिर 40, फिर 41, फिर 42, रोज़ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, मैं दिख रहा हूँ वीडियो में, अच्छा लग रहा हूँ। हाँ पक्का ना, फिर से बोलो। हाँ, नहीं तो लोग
थैंक्स। ये चावल नहीं है, ये प्याज है, पर देख के लग रहा है कि चावल है। और अभी हम आए कचौड़ी खाने के लिए, नहीं मतलब मैं ही आया हूँ कचौड़ी खाने के लिए, बाकी सब लोग इडली खा चुके हैं पहले ही, तो अभी मैं कचौड़ी खा के अपना पेट भरूंगा। और वो पूरी सब्जी खा रहे हैं। सब बना रहे हैं, हर चीज़ को बहुत ओवर रेटेड कर देते हैं। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ठीक है खाने में, ओवर रेटेड है, ओवर प्राइज्ड है, तो हाँ सोच समझ के खाना, आप पैसा वेस्ट मत करना। टाइम ओवर प्राइज है, ये 50 रुपये का लगता है कहीं से? वो शॉप बंद है, वहाँ पे 20 रुपीज़ का, मतलब 20 रुपीज़ का आता ना, ये 50 का है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ओवर प्राइज्ड है, ओवर रेटेड है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो हम वहाँ से यहाँ तक रिक्शे में आ गए दोस्तों, ताकि अंकल अंकल का फ़ायदा हो सके कुछ, क्योंकि ये वाली रिक्शा कोई ये वाली रिक्शा पे कोई बैठता नहीं है, तो आशी का आइडिया था कि इस वाले रिक्शा पे मतलब उनका भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम इस वाले रिक्शा पे बैठे। और ई रिक्शा में बैठ के अभी हम सब निकल चुके हैं 80 घाट की तरफ वापस से अपने होटल रूम। और ये सबका प्रसाद, सबने अपना अपना प्रसाद ले लिया घर पे ले जाने के लिए, काशी विश्वनाथ जी पे वहाँ चढ़ावा लगा के। तो दोस्तों अभी बजे है शाम के 4:30, अच्छी कोशिश पर नाकामयाब। तो अभी हम जा रहे हैं 80 घाट पे गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। और पाप तो कुछ किए ही नहीं है, पर फिर भी अगर गलती से कुछ पाप हुआ होगा तो गंगा मैया हमारे पापों को धो देगी और हम अति शुद्ध हो जाएंगे, प्योरेस्ट ऑन द प्लेनेट। तो हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी हम पहुंचने वाले घाट पे, 90% मम्मी का कॉल है। हाँ ठीक है, मम्मी को याद नहीं आ रही होगी, मम्मी को पता है कि मैं शूट करता रहता हूँ, बीच में कॉल आती है तो वीडियो सेव हो जाती है और फिर ख़राब हो जाता है। मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, ठीक है मम्मी, वेरी स्मार्ट। तो अभी हम यहाँ पे चलाक ब्रो, वेरी चलाक, नहीं मेरी चलाक नहीं स्मार्ट मम्मी नहीं होगी इस बार, ड्राइवर ही है। हाँ चलो जल्दी आओ, बोट पे कल बैठेंगे, अभी ना गंगा स्नान करेंगे, नहीं निकल रहे कल, कल निकलेंगे, कल निकलेंगे, अभी हम करेंगे गंगा स्नान, कल हम लोग बोट पे जाएंगे। और मैं टी शर्ट उतार दूंगा गंगा स्नान करके, फिर ये फिर अंदर वाली टैंक टॉप हटा करके फिर ये शर्ट पहन लूँगा और फिर हम ऐसे ही घर चले जाएंगे। ये देखो गाइस, दीपक गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए। तो इस जगह पे अभी हमने फिर से कई सारी रील्स शूट कर ली, कई सारी नहीं 2-3 रील्स शूट करी है, काफ़ी टेक्स लग गए क्योंकि थोड़ी स्पेशल रील्स थी और थोड़ी मेहनत वाली, बहुत मेहनत वाली रील्स थी, जो कि मैं हम मेरे को श्योर है कि हमने बहुत अच्छी शूट करी है, पर बाद में हमको डब करना पड़ेगा रील्स को। मैं सोच रही हूँ मुझसे बात करना चाहता है, तो ना वो रील्स हम डब करेंगे तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा करने में, और जैसे ही वो रील्स एडिट हो जाएगी इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे अगर किसी को वो रील देखनी हो
तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @DEEPAKYADAV। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं इस व्लॉग को अब ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि इसके आगे कुछ बचा नहीं है, कहाँ रह गए यार। चलो अभी ख़त्म करते हैं, सबके साथ आज बाय बाय करूँगा। हाँ पर याद ही डोरेमोन डोरेमोन। इसके साथ ब्लॉग को खत्म करते हैं। बाय बाय बाय।